दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम गूगल एड्स के अकाउंट को ऑप्टिमाइज करने वाले हैं यूजिंग गूगल एनालिटिक्स और आपका पूरा प्रैक्टिकली गूगल एड्स का अकाउंट गूगल एनालिटिक्स से कनेक्ट करने वाले हैं। इससे क्या होगा, आप अपनी ऐड को बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज कर पाएंगे जो भी आप ऐड रन कर रहे हैं। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ आप किस किस बिहाफ पे ऑप्टिमाइज कर पाएंगे और आप अपनी ऐड को बहुत कम अमाउंट में भी आप एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे गूगल एड्स के थ्रू। ये मैंने गूगल एनालिटिक्स का एक डेमो अकाउंट ओपन कर लिया है, मैं डेमो अकाउंट्स बता रहा हूँ जिससे आप अच्छे से समझ सकें। देखो हम यहाँ पर देखो ये गूगल एड्स को, जब हम गूगल एड्स को गूगल एनालिटिक्स से कनेक्ट कर लेते हैं तो हम क्या क्या चीजें देख सकते हैं। देखो जब आपको पता चलेगा एक प्रॉपर कीवर्ड, एक प्रॉपर एज ग्रुप, प्रॉपर पूरा बिड, प्रॉपर आपको सीपीसी, तो आप उसको अच्छे से ऑप्टिमाइज कर पाएंगे गूगल एड्स को। तो देख सकते हैं आप यहाँ से आप पूरा अपना अकाउंट वगैरह देख सकते हैं गूगल एड्स का। कैंपेन लेवल पर आप पूरा, जैसे कि अभी मैं कीवर्ड लेवल पे हूँ तो जैसे आप 8-10 कीवर्ड पे अपनी एड रन कर रहे हैं तो आप पर्टिकुलर कीवर्ड्स पे देख सकते हैं किस कीवर्ड पर कितने क्लिक आ रहा है, कितनी कॉस्ट इन्वेस्ट हो रही है, क्या सीपीसी आ रही है, कितने यूजर्स आ रहे हैं, कितने सेशंस बन रहे हैं। और जिस मान लो कोई एक ऐसा कीवर्ड है जिस कीवर्ड्स के यूजर आपके लैंडिंग पेज पर आ रहा है तो उसका बाउंस रेट कितना है। बाउंस रेट जितना आपका हाई होगा उतना आप यहाँ पे बाउंस रेट वगैरह आप चेक कर सकते हो, उतना आपका यूजर जल्दी रिटर्न हो रहा है। फिर ई कॉमर्स कन्वर्जन रेट, ट्रांजेक्शन रेवेन्यू, यानी कि बहुत अच्छे से ट्रैक कर पाएंगे। देखो आप कैंपेन लेवल पर ट्रैक कर पाएंगे, आप ट्री मैप्स देख पाएंगे, आप साइट लिंक देख पाएंगे, आप बिड एडजस्टमेंट देख पाएंगे जब आप अपने गूगल एड्स को गूगल एनालिटिक्स से कनेक्ट देंगे, सर्च क्वेरीज आप देख पाएंगे, आप हावर्स ऑफ डेज देख पाएंगे कि किस टाइम पे क्या आपका चल रहा है। अगर आप डिस्प्ले एड चला रहे हैं, वीडियो कैंपेन चला रहे हैं, शॉपिंग कैंपेन चला रहे हैं तो वो सब भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। यानी कि गूगल एड्स को गूगल एनालिटिक्स से कनेक्ट करना बहुत कंपलसरी है अगर आप एक अच्छा एड रन करना चाहते हो। दोनों ही गूगल के सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, तो दोनों ही गूगल की वेबसाइट्स हैं, तो दोनों को कनेक्ट करके आप एक अच्छी एड्स को एक अच्छे से एड्स को अपने ऑप्टिमाइज कर सकते हो। कैसे कनेक्ट करना है पूरा स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं हम। तो वीडियो को स्टार्ट करने से बता दो, जिस स्टूडेंट ने हमारे डिजिटल सर्विस को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। और अगर आपको हमसे लाइव ट्रेनिंग सीखना है, एफिलिएट मार्केटिंग की लाइव ट्रेनिंग चाहिए हमसे, तब आप हमें नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। हमारी लाइव ट्रेनिंग बहुत ही एडवांस्ड में होती है जिससे आप बहुत सारी टेक्निक सीखते हैं जिससे आप जल्दी से जल्दी सेल जनरेट कर। और अगर आपको हमसे वन टू वन ट्रेनिंग चाहिए, आपको हमसे गूगल एड का अकाउंट सेटअप कराना है तो आप हमारी वन टू वन ट्रेनिंग भी ले सकते हैं जिसमें हम आपका पूरा अकाउंट सेटअप करते हैं। तो गाइस चलिए सीधे कनेक्ट करते हैं गूगल एड्स को गूगल एनालिटिक्स से। तो सबसे पहले मैं गूगल एड्स का बिल्कुल फ्रेश अकाउंट ओपन कर लिया जिससे आपको बिल्कुल बेसिक से बता पाऊं कि कैसे कनेक्ट करना है। इसी टाइप से मैंने गूगल एनालिटिक्स का भी एक अकाउंट ओपन कर लिया है। अगर आपको नहीं पता कैसे गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट बनाए तो हमारी एक वीडियो है, लिंक आई बटन में दे दूंगा, गूगल एनालिटिक्स पे अकाउंट कैसे बनाया जाता है, तो आप उसको देख लेना या फिर आप हमारे सर्च कर लेना गूगल एनालिटिक्स डिजिटल शिवम, तो आपको हमारी वीडियोस मिल जाएगी, तो उसको देखकर आप अपने लैंडिंग पेज को गूगल एनालिटिक्स से कनेक्ट कर लेना। अभी आपको गूगल एड्स को गूगल एनालिटिक्स से कनेक्ट करने के लिए गूगल एनालिटिक्स और गूगल एड्स दोनों को ओपन कर लेना है। ठीक है, गूगल एनालिटिक्स आप देख लेना हमारी पुरानी वीडियो, तो आपका कनेक्ट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे सेटिंग के ऑप्शन में आ जाना है, एडमिन सबसे नीचे मिलेगा देख सकते हो, उस पे आ जाना है। और सेटिंग के ऑप्शन पे आने के बाद जैसे ही आप सेटिंग के ऑप्शन पे जाओगे आपके पास ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। ये वाला इंटरफेस आने के बाद देखो सिंपल सा यहाँ पे आपको प्रोडक्ट लिंकिंग मिलेगा। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये देखो जस्ट अ सेकंड, ठीक है मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया है। प्रोडक्ट लिंकिंग का ऑप्शन मिलेगा जिसमें आपका लिखा रहेगा गूगल एड्स लिंकिंग, तो आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। जस्ट अ सेकंड, गूगल एड्स लिंकिंग पे आप क्लिक कर दोगे तो इस टाइप से आ जाएगा। अभी इस अकाउंट से एक भी गूगल एड्स का अकाउंट लिंक नहीं है, लेकिन आज मैं इसको लिंक कर दूंगा। उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे लिंक पे क्लिक करना है। ठीक है, लिंक पे आपको क्लिक करना है, सिंपल नॉर्मल लिंक पे आप क्लिक करें। लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके देखो सेम आईडी से गूगल एड्स ओपन करना, सेम आईडी से गूगल एनालिटिक्स ओपन करना, जिससे गूगल एनालिटिक्स में पूरे जितने भी गूगल एड्स के अकाउंट उस आईडी से बने होंगे ऑटोमेटिक आ जाएंगे। देखो अभी मैंने इस आईडी से ओपन किया है तो इसमें देखो गूगल चूज गूगल अकाउंट, तो मेरे जितने सारे अकाउंट है वो सारे यहाँ पे डिस्प्ले हो गए। ठीक है, सारे अकाउंट यहाँ पे डिस्प्ले हो गए। अभी मेरा जो एक अकाउंट है जिसको मैं कनेक्ट करने जा रहा हूँ उसका नंबर है 956, तो मैं यहाँ पे ढूंढ लेता हूँ 956 ये है, ये बिल्कुल न्यू डेमो अकाउंट है तो मैंने इसको सिंपली चेक कर देना है। चेक करने के बाद आपने सिंपली चेक करने के बाद आपको यहाँ पे कंफर्म कर देना।
कंफर्म कर देने के बाद आपको सिंपली इसको नेक्स्ट करना है। मैं पूरा लिंक करके बताऊंगा आपको, है ना। नेक्स्ट करने के बाद ये ऑन कर देना, पर्सनलाइज्ड एडवर्टाइजिंग ऑटो टैगिंग भी आपका इनेबल है, और इनेबल नहीं रहे तो आप यहाँ से देख लेना एक बार ऐसा, आप इसको लाइक इनेबल पे क्लिक कर देना एंड देन आप इसको नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट के बाद सबमिट इस टाइप से कर देना। तो सबमिट करने के बाद थोड़ा सा वेट करना, लिंक यहाँ पे क्रिएटेड हो जाएगी और आप चाहो तो यहाँ से लाइक गेट स्टार्ट करके रीमार्केटिंग ऑडियंस बना सकते हो। इतना कर लिया, इतना करने के बाद थोड़ा सा काम और करना है, फिर आपको अगेन गूगल के अकाउंट पे आना है। गूगल एड्स के अकाउंट पे आने के बाद यहाँ पे आपको टूल्स एंड सेटिंग्स में चले जाना है, ठीक है। टूल्स एंड सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक बटन मिलेगा लिंक्स अकाउंट्स, और यहाँ पे भी मिलेगा गूगल एनालिटिक्स, कहीं से भी जा सकते हो। तो आपको लिंक्ड अकाउंट पे क्लिक कर देना है। लिंक्ड अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपली टाइप से सारा कुछ दिखेगा, तो आपको यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स पे क्लिक कर देना है। तो गूगल एनालिटिक्स पे डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप डिटेल्स पे क्लिक करोगे, आपके सामने जो आपका गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट होगा उसका इस टाइप से ये आ जाएगा, क्योंकि वहां से आपने इस अकाउंट में रिक्वेस्ट भेज दी है। लिंक क्रिएटेड मतलब उस अकाउंट से आपने इस अकाउंट में रिक्वेस्ट भेज दी है। तो यहाँ पे उसका लाइक गूगल एनालिटिक्स का एक रिक्वेस्ट आईडी आ जाएगा, बस आपको यहाँ से लिंक पे क्लिक करना है इस टाइप से, और आपको यहाँ पे ये दोनों लाइक इनेबल कर देना है। दोनों को आप इस टाइप से इनेबल कर दो और फिर आप इसको सेव कर दो इस टाइप से। तो जैसे ही आप सेव कर दोगे तो यहाँ पे आपका ये गूगल एड्स का अकाउंट जो भी है ये गूगल एनालिटिक्स से लिंक हो जाएगा। अभी एक व्यू है और यहाँ पे ये लिंक हो चुका है। अब जितनी भी आप एड चलाओगे उस एड को आप पूरा गूगल एनालिटिक्स में देख पाओगे, किस तरीके से वो भी मैं दिखाता हूँ। मान लो आप 8-10 कीवर्ड पे चला रहे हो, ये डेमो अकाउंट है, आप 10 कीवर्ड पे चला रहे हो, तो सारे कीवर्ड्स पे कितने क्लिक्स आ रहे हैं आप देख पाओगे, क्या उसका कॉस्ट है वो सब आप देख पाओगे, कितना कॉस्ट इन्वेस्ट हो रहा है, क्या सीपीसी आ रही है वो भी आप देख पाओगे, यूजर्स कितने आ रहे हैं वो भी आप देख पर कीवर्ड्स पे देख सकते हैं। ये देखो इस कीवर्ड्स के थ्रू ये देखो हर एक चीज पे देख पाओगे, क्या सेशंस बन रहे हैं, क्या बाउंस रेट है आपका, क्या पेज सेशन है, या ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाउंस रेट। जैसे आपको पता चला कि आपका जो पेज है उसका बाउंस रेट बहुत लो है, बहुत लाइक हाई जा रहा है, मान लो 70% बाउंस रेट है, तो आप उस पेज को सही करो। वो सारे लोग बोलते हैं सर मैं लैंडिंग पेज कैसे इंप्रूव करूं, कैसे इंप्रूव करूं, बाउंस रेट को देखो और उस अकॉर्डिंग आप अपने लैंडिंग पेज को इंप्रूव करो, ये सब आप देख पाओगे। फिर उसके बाद कैंपेन लेवल पे आ जाओ, बहुत सारी चीजें हैं, आप एक बार कनेक्ट करो आपको बहुत सारा चीजें पता चलेगा। अभी तो सिर्फ मैं कुछ डेमो के लिए बता रहा हूं, बट आप जब खुद का एड रन करोगे तो बहुत आएगा। जितनी कैंपेन है सारी आ जाएंगी, हर एक कैंपेन में कितने क्लिक्स आ रहे हैं, कितना स्पेंड हो रहा है, क्या सीपीसी है, क्या यूजर्स है, क्या सेशंस है, क्या बाउंस रेट है, कहां से आ रहे हैं, किस एज ग्रुप के आ रहे हैं, सब कुछ देख पाऊंगी, किस एज ग्रुप कहां से आ रहा है वो सब देखने के लिए फिर आपको ओवरव्यू देखना है। देखो ओवरव्यू में आप चले जाना, ठीक है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ जस्ट अ सेकंड। देखो अभी डायरेक्ट इतने आ रहे हैं, पेड इतने आ रहे हैं, डिस्प्ले ये सब पता चल रहा है आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं एफिलिएट्स इतने आ रहे हैं। अब होम पे चले जाते हैं हम एक बार, एग्जाम्पल के लिए कुछ मैं डेमो अकाउंट है तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आप पूरा ट्रैक कन्वर्जन क्या है वो सब भी आप देख सकते हो। कन्वर्जन जितने कन्वर्जन होंगे सारे आपको गूगल एनालिटिक्स में शो होंगे, कितने एक्टिव यूजर्स हैं, कितने लाइक अभी आ रहे हैं, किस पेज पर आ रहे हैं, किस क्या सोर्स है वो सब भी आप देख पाओगे। जैसे कि ये है इसमें 10 अभी एक्टिव यूजर्स है, किस पेज पे आ रहे हैं, किस मीडियम के थ्रू आ रहे हैं, किस कंट्री से आ रहे हैं, किस सिटी से आ रहे हैं, सब कुछ देख पाऊंगे। ये देखो सेशंस बन रहे हैं यूएस, इंडिया, कनाडा, यूके, किस टाइम पे आ रहा है, सब कुछ आप बकायदा डिटेल में देख पाओगे। तो कहने का ये मतलब गूगल एड्स को गूगल एनालिटिक्स से कनेक्ट करो और एक अच्छा डाटा आपको मिलेगा। देखो जब डेटा मिलता है तभी तो ऑप्टिमाइज होती है, तो आपका जो आपको जो डेटा मिलेगा उस अकॉर्डिंग आप अपनी एड को ऑप्टिमाइज करो। और फिर आपको जैसे पता चला कि इस एज ग्रुप क्या रहा है उस एज ग्रुप को रखो केवल, आपको पता चला इस टाइम पे आ रहा है केवल उस टाइम पे रखो, क्योंकि अगर आप एक फिक्स टाइम रखते हो, फिक्स एज ग्रुप रखते हो तो पैसा भी फिक्स कटता है आपका। फिर आप लाइक पूरा देख लाइक बाउंस रेट आपका बहुत ज्यादा जा रहा है, बाउंस रेट सही करने के लिए लैंडिंग पे सही करो, कीवर्ड सिर्फ काम का नहीं है कीवर्ड हटाओ, तो हर एक चीज आपको पता चलेगी जब आप कनेक्ट करोगे। सो गाइस आज की वीडियो इतनी रखती है, आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। हमसे लाइव ट्रेनिंग चाहिए तो हमारी वेबसाइट digitalsom.co और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो गाइस थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।